इतना तेज गाड़ी चला मतलब का रहा, ये मेरा भाई हमारे आगे से गुजरा है और ये मेरे के बाइक चलाई गवा है कि बाइक हमारी स्पीड दे सकता हो तो कौन स्पीड में रहा हुई वो यहाँ पुरानी वाली गाड़ी जो आगे रही वही गाड़ी। अस्सलाम वालेकुम। तो भाई आप लोग कैसे, उम्मीद की थे कि आप सब ठीक हो। तो भैया आज के ही सीन का है हमें नहीं पता है कुछ नहीं, बस जान लो घर से वीडियो शुरुआत कह दी थे, आगे का हुई कोनो पता नहीं है, जो चीज सामने आई वो चीज हम देखेबे। तो स्वागत है आप सबके हमारे यूट्यूब चैनल राइडर UP 27 में। तो चलिए वीडियो के यहाँ शुरू करी थे और दिखाए थे पूरे दिन के वाकिया का होने वाला है। चलो अनप्लानिंग ब्लॉग हमारा यह है कि देखो बिना कोनो काम के काम पड़ गए तो यहाँ हम आए हैं जॉकी शोरूम पर। यहाँ देख रहे तो पीछे जॉकी शोरूम है, तो चलिए अंदर और देखी थे लेके हमें यहाँ मोजा। तो आज हम पहली बार भैया पहुँचे हैं जॉकी शोरूम पर। यहाँ चली थे अंदर और देखी थे कि कैसे और का मिलत है। ये बलरामपुर के नज़ारा देख सकते हो यो। ये कौन सा है, ये कट वाला है ना? हाँ ये हाफ एंकल लेंथ में। हाँ हाँ ये वाला। अच्छा हाँ वो वाला चाहिए। कैमरा अरे ब्लॉग वाला है, ब्लॉगिंग। 327 रुपये में 3 पीस लिया भैया, देख सकते हैं आप। कहाँ कहाँ भेज देते यार भाई लोग हमें। तो चलिए भैया इतना तेज गाड़ी चला मतलब का रहा, ये मेरा भाई हमारे आगे से गुजरा है और ये मेरे के बाइक चलाई गवा है कि बाइकिया पे यहाँ लेटा रहा लेटा वका। जब हम देखे नहीं तो एकदम से हम घबराए गए, हमके मैंने बताओ साले कहीं मोड़ पर है ये मेरे कम से कम हमारी स्पीड दे सकते हो तो कौन स्पीड में रहा हुई वो यहाँ पुरानी वाली गाड़ी जो आगे से रही वही गाड़ी से रहा हूँ। लेकिन वकर साथ हम ऐसे नहीं ले पाए नहीं कि हमें कहा वीडियो भी शूट कर रहा वकर और वकरे बाद में फिर भाई स्टेयरिंग भी देखे रहा सब कुछ मतलब हमें कंट्रोल में लेके चले रहा। यह नाते वकर साथ नहीं ले पाए और निकल गए आगे, नहीं तो आप लोगों ने अगर उनका वीडियो हम दिखाई दी थी तो याद करते कि हाँ यार कोई रहा यही मेरे का है। अब बताओ यह मेरे के लोग जान पर यहाँ खेलते हैं अपने आए, ऐसा गाड़ी चलाओ चाहिए अगर दिखाई थी तो दिमाग ख़राब हो जाता आप लोगों का। यही नाते रुक के यहाँ पर यहाँ हम कहें आप लोगों का बताई दी कि भाई यह मेरे के सिचुएशन रहा, यही नाते यह मेरे के इतना तेज हम गाड़ी खींचे रहे, अरे 100 110 पहुँच गए रहा तो स्पीडिया हम आप लोगों का दिखाई नहीं पाए मैन वाला वह 80 81 82 85 दिखाई पाए हम। खैर कोई बात नहीं, दुनिया है पता नहीं कैसे कैसे लोग मिलते हैं कहाँ कहाँ आवत है कैसे चलत है होगा करती हम क्या करें, लेकिन वीडियो दिखाओ नाते इतना तेज हमें चले पड़ा है। ये दुनिया जो रही इतना ब्रांड हो चुका है, इतना ब्रांड हो चुका है ये कि अब हम क्या बताई। एक जन के भैया का फोन आवा तो कहीं कि फला कंपनी के हमारी सामान ले आए यानी जैकी के मोजा। हम कहें ठीक है भैया ले बाय। तो आप लोगों का हम बताई दी कि ब्रांड 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 और जब सामान देखे लागो या दिखावे लागत थे हाँ तो कहीं है ही जान सो का भैया जौन सबसे लेटेस्ट चीज हुआ वो चीज हमें दिखाओ और जब दिखावे लगी है ही तो रेट जब पता करी है तो रेट में यहाँ जैसे बताई क्या बोले हाई फाई। भाई सामान अगर हाई फाई है तो रेट भी हाई फाई लागबे करी। भैया कुछ कम नहीं लगी, कुछ कम ले लियो मतलब ये चीज होत है सामान है ये बढ़िया और रेट दी है कम तो भैया दी में एक चीज़ मिल पाई ना, जैसा दाम लगाओगे वैसा सामान पाओगे। तो चली थे हम बलरामपुर और वकरे बाद में आप लोगों का दिखाई थे कि मतलब हमें कौन सामान खरीदे है वहाँ और हमारा है जौन हम तो भैया जौन मिले थे आम घास तो ले ली थे पहन ली थे खाई पी ली थे अपन चाहे नमक रोटी रहे चाहे जौन रहे या चाहे मतलब लेटेस्ट सामान रहे चाहे ब्रांडेड सामान रहे सब आवाज जो हमारे पास है। आज तक हम देखबे नहीं कि हम पैसा कम लागे चाहे ज़्यादा लागे कोनो मतलब नहीं है उससे, लेकिन ये है कि कहूँ कहूँ हम मोल भाव करी थे यह नाते हम बताई थे का। तो चलो फिर मिली थे वहीं हम बजरिया में यहाँ रहा दावत बहू खाना खाए। खाना खाए बाद में हम सोचे नहीं कि चली घरे और थोड़ा सा रेस्ट कर ली आराम कर ली, लेकिन हमारे घर के लड़के भैया पिंड नहीं छोड़ी कोनो बाहर आए खुद झारत है कोनो बाहर आए खुद झारत है। अब टाइम हो गया भैया यहीं से निकले थे एक बेरा हमें देख ली तो पिछवाई लेते हुए देखे नाते हम चुप्पे निकल दिए इसलिए।
बताएबे के हैं कि पेशपरवा दावत रहा, तो भैया हम बताए गए हैं कि चले जाए। अभी लड़का हमारी बिंदावन से तैयार है, देख लो एकदम पहरे ओढ़े गुलिए। अपने महतारी से बार बार कहा था कि अम्मा चल, लेकिन वे नहीं गई। तो हम पेशपरवा से खाए पी के आई गए। अब हम सोचें कि चुप्पे निकल जाए यहीं से ही, तो उससे पहले ही हमारा मोबाइल लिया है। अब भाई बगैर मोबाइल लिए तो हम जाए पेबे नहीं। हमें बार बार फ़ोन आवा थे, हमने लगे फ़ोन करे पड़े थे यार बाहर। अब हम मोबाइल मांगे थे लेकिन देते ना है। अब वो भागत है बाहर, दे दे भैया मोबाइलिया, दे दे बहू, अरे दे दे भैया, नहीं देबे हाई जी बाप, हम कहा बताइए का यही से कही थी कि चुप्पे निकल जाए, लेकिन हमारा मोबाइलिया लिया रहा। मैं बस यही पड़ गया रहता हूँ, उनपे उठाई जगह पर निकल ली थे और हमारा मोबाइल नहीं देते, वही भैया फूल पत्थर आवत है। ला दे दे भैया ला चली ही। ए आदि कहाँ चल गए, कहाँ चल गए, और का खोल है पाप। अच्छा ला हमारा मोबाइल दे देना, और भाई आई थे संजय के यहाँ, तब चले खोई अपने वहाँ पचपड़वा, पचपड़वा चले खोई जूस पिया है। हाँ बे नहीं देवे तब, अब कौन मिल के फुस लगेगा, हम पैसा लेबे हमसे लेंगे 5 रुपया ना, और जाओ कुछ ले आओ खाई लो तू, और अगले बाद में आप बैठे तो चल भाई। मास्टर बाबा के कुछ नहीं दी, हाँ चलो 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 मास्टर बाबा कह देंगे चलो। हमारे बाबा यह पास तो यही कुछ डाउनलोड कर थे गेम आई गेम, माइंड पूरा हैंग किया मोबाइल हमारा। चल 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 चलो तोरे हो चलो अदब कह लेंगे चल तब। चले पास कसम से इतना बुरा दर्द करते हैं, इतना बुरा हालत खराब है हमारी कि हम क्या बताइए, बंद करोगा, इतना बुरा हालत खराब है कि हम सोच रहे कि लाओ लेट जी आधा घंटा, लेकिन ये घर के लड़के हमें न लेटे थे कि हमने हम देर से थोड़ा आराम कर दी। जाओ चलो भैया लगाए भी हेलमेट, चलो हाँ चलो मामा चलो चल चलो मास्टर बाबा चलो पैदल ना तो घुमा ले गाड़िया तब हो जाओ उतरबो। दे भैया बुनवाए का जोर मारने तो ठीक है कहा ले रहो ले जल्दी चले भागी हम अब घरे चले जाओ कह रहे तू ले दिहन ओकरे बाद में तब यहाँ से गवा। अब हम चल से भैया यहीं से रतिया में यहाँ घड़िया चलाओ भाई, तो माइंडिया में यहाँ काल्पनिक बात बहुत आवत है और ऐसा ऐसा बात आवत है ही कबो कबो ऐसा होते कि जो चीज दिमाग में आवत है वो चीज तुरंत सामने दिखाई देते हैं, मतलब ऐसा हम कई बार महसूस कर चुके हैं नहीं, और हमारे साथ ऐसा हवा भी है तो एक्सीडेंटल जहन में आ जाता है कि जाए है अचानक का हो जाए तब कुछ हो जाता है तब कुछ, यानी ऐसे बहुत सारा बात ही दिमाग में यह चला करता है जब अकेले राइड करो या अकेले मतलब रहा हो रोड पर यहाँ। और हमार तो जिंदगी जो रही तो हम तो भाई बस ऐसे प्रिय है देखा करो आना जाना यहाँ वहाँ दोनों ठोर ठिकाना नहीं रहते हमारे कि हम कहाँ जाए थे कहाँ आए थे कहाँ कहाँ चले थे, बस ऐसे जिंदगी हमारी आवा थी तो बहुत बढ़िया लागत है देखे में बस थोड़ी देर में घरे पहुंचे वाले हैं। आवत है
रास्ता भैया भैया देखे मसरूम आज एक दूसरी है रहन लेकिन दिखा पाए हैं ना बाजारी भैया ना ठेला पर ना चौराहा पर कहूँ ना आज अचानक देखे बाद में पूछे रेट ही इतना महंगा बताई भाई कि क्या बताई हम 50 रुपया पैकेट 200 ग्राम के रहते हैं तो उससे मैंने मोल भाव कहके कौन में कहके ही 40 रुपया में 3 ठू लिखन और वे बाद में यहाँ अभी यह पहुँचे खेरे हाथ मुँह धोया है एक हमारे बकरा है ही हम तो सबका सवेरे देखेंगे भैया इतना कमीना है इतना कमीना है ही कि हम क्या बताइए अरे वो ना जानते पन्नी ना जानते कागज ना जानते है हड्डी चाहे मुर्गा खोए चाहे बकरा खोए कौन चीज खाए वाला हो खाली सब खाए देते है आवाज कल ये इतना पस्त है एकदम ऐसे पेटवा टॉक फूला रहा एकदम ऐसे तो डरा नहीं भैया हमारे की लागत है मनो ये 14-15 हजार रुपया के बकरा हमारी तो बोले दर्द दवाई वका खाए पियान एकदम से ही मस्त हो गया है आ आ आ बलाई थे रुक जाओ आ आ ना आ आ आ ले बे छता पर यहाँ है चली से दिखाई से हम अब अंधेरा में है तो दिखाई नहीं लेकिन चली से ये हुए वस रही तो आवाजिया सुनते भरे में ऊपर से भागत आई और घसीट के लेके आए खींच के लेके आए नहीं तब जाके आवा है नहीं तो जैसे खींची तैसे भागे ऊपर है कौनो चीज ऐसा ना है कि जो नहीं खाए ना लिए कुल चीज खाए थे पेटो ऑटो एकदम से खूमा रहा मैंने अब ठीक है ही चलत फिरत है कि अब ले खाई पी से फिर है जुन लेकिन भैया हड्डी वड्डी यक्कू नहीं छोड़ा था यार कुल खाए देते हैं अब जाओ जाओ वहाँ ऊपर भागो जाओ चलो चल जा ये आलम है।